दिखा देंगे। चलिए ठीक है, देश पीर अली खादरी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। खादरी साहब बताइए, संविधान के आर्टिकल 44 के मुताबिक देश में एक समान आचार संहिता होनी चाहिए, इसके समर्थन में है, इसका एहतराम करते हैं या मजम्मत करेंगे? जो ऐलान किया गया है कि कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा तो वैसे ही है जैसा कि हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख आएंगे। ये हमारे अपने देश में कभी कॉमन सिविल कोड आ ही नहीं सकता, इसलिए नहीं आ सकता कि हमारे पास इतनी तहजीबें हैं, इतनी सभ्यता है और इतने लोग हैं कि आप कॉमन सिविल कोड हमारे देश में ला ही नहीं सकते। नागास का मसला है, विजोस का मसला है, कई मसले हैं। रहा सवाल कि कॉमन सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों पर कटाक्ष करना बीजेपी की आदत रही है, ध्रुवीकरण करना, वोट हासिल करना, मुस्लिमों को निशाना बना रहे इस मुद्दे से, आपका ही कहना है? एक ही बात है ना साहब, ये करेंगे तो उनको सुरेश जी से मैं इसका जवाब लूंगा। लेकिन कादिर साहब ये बताइए कि गोवा में भी तो लागू है, वहां पर भी 8 से 10% तक मुसलमान है, वहां के किसी मुसलमान का ये विरोध नहीं सामने आया? ना देखिए साहब, जहां तक के मसला है कि आप अंडर प्रेशर कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप पावर में है तो करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो संविधान को भूल चुके हैं ना। नहीं, संविधान ने हमें जिस बात की, ठीक है, संविधान ने हमें जिस जिस बात की इजाजत दी है वो सारे आप लोग चीजें छीनने लगे हैं। ठीक है, हर चीज आप लोग छीनना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लेकर मुस्लिमों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं आप। गरिमा दसौनी जी ये पूछ रही हैं कि जब बीजेपी की सरकार थी तो लागू क्यों नहीं किया, केंद्र में हर बार आप लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो ये मुद्दा लेकर आप घोषणा पत्र में आते हैं, लागू कर दीजिए, मुद्दा खत्म कर दीजिए, किसने रुका है? पहली तो मैं कादरी साहब के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस देश में सिविल यूनिफॉर्म बिल नहीं आ सकता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप ही कादिर साहब कहते थे इस देश पर राम मंदिर नहीं बन सकता है, आप ही कहते थे इस देश से 370 नहीं हट सकती है, आपने देखा। जो समान आचार संहिता यानी कि समानता की बात, जो कानून जिसका जिक्र किया जाता है अगर आता है तो उस समानता में असमानता की बात कहां जाती है, भेदभाव की बात कहां जाती है, टारगेट वाली बात कहां से आ जाती है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? देखिए साहब, जो सबसे पहले हमारा संविधान है, आप तो मानते हैं ना इस बात को कि ये देश संविधान से चलेगा, आर्टिकल 44 मानते हैं, चलेगा आर्टिकल 44 मानते हैं। तो जो संविधान ने मुझे इजाजत दी है, आप आर्टिकल 44 की बात मत कीजिए, जहां पर संविधान ने मुझे, संविधान का आर्टिकल 44 छोड़ दें क्या कादरी साहब? कादरी साहब आर्टिकल 44 का क्या करें? आ जाइए ना आप, दूसरे पर क्यों नहीं आ रहे आप? जो वही संविधान में जो मुझे मजहबी आजादी है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, गोवा के मुस्लिम को आपत्ति नहीं है, उत्तराखंड के मुस्लिमों को आपत्ति क्यों है? आपत्ति बराबर आपत्ति है। अच्छा, आप लोग अंडर प्रेशर काम करवा रहे हैं लोगों से। अच्छा, आप उनके हुकूक छीन रहे हैं और अभी बात कर रहे थे कोरोना की। अरे कोरोना, ठीक है, वक्त कम है, सुरेश जोशी जी, नहीं तो क्या कोरोना का राशन आपको नहीं मिला क्या? कोरोना की वैक्सीनेशन आपको नहीं मिली क्या? इस देश के गरिमा जी, गरिमा जी, जो भारतीय जोशी जी, हमने भी दुनिया भर की वैक्सीन लगाई पूरे भारत देश को, कभी आपकी तरह वोट की उगाही नहीं करी। वो फर्ज है एक सरकार का स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना अपने नागरिकों को। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बड़ा सवाल है कर्नाटक के उडुपी में जिस तरह से यूनिफॉर्म को लेकर, हिजाब को लेकर मुद्दा उठता है, उस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात एक तरह से कही जा रही है, क्या ये मुद्दा है? चुनाव इसका असर कितना होगा? और चुनाव से ठीक पहले जो ऐलान किया गया है, क्या उस पर मतदान में भी असर देखा जाएगा? बड़ा सवाल, इसका जवाब जनता ही देगी और जवाब का असर 10 मार्च को पता चल पाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।